लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग डीसी कॉमिक्स की मूवी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है एक्वामैन। और ये डीसी कॉमिक्स की 6th मूवी है, जिसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बनाया गया है उसके स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। और इसका जो सीक्वल है वो 2022 में रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। और ये मूवी एक अमेरिकन सुपर हीरो की कहानी है, जिस सुपर हीरो का नाम है एक्वामैन। अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर जरूर प्रेस करें और सिनेमा बातचीत फैमिली का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और जल्द ही आप लोगों के हेल्प की वजह से हमारे और भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं एक्वामैन के सफर की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां एक लाइट हाउस कीपर थॉमस करी को दिखाते हैं और वहां एक बहुत ही भयानक तूफान आ रहा होता है। तभी थॉमस को समुद्र के किनारे एक लड़की बेहोश मिलती है, जिसके पेट में काफ़ी चोट भी लगी होती है। और थॉमस उसे वहां से उठाकर सीधा अपने घर ले जाता है और उसको फर्स्ट एड देता है और उसके पेट पर पट्टी भी बांधता है। सुबह जब वो लड़की सोकर उठती है तो वो अपने पेट में पट्टी बंधी देखती है और थॉमस को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और अपने बारे में बताती है। वो थॉमस को बताती है कि उसका नाम एटलाना है और समुद्र के नीचे एक बहुत ही बड़ा किंगडम है जिसका नाम है एटलांटिस, और वो वहाँ की क्वीन है। और उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक किया था क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे और उनसे बचते बचते वो यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और एटलाना थॉमस के साथ ही रहने लगती है, और साथ रहते रहते और काफ़ी टाइम साथ बिताते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और कुछ टाइम बाद एटलाना एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो रखते हैं अर्थर। और ये बच्चे में बहुत सी सुपर पावर्स भी होती हैं और ये सी क्रिएचर से बात कर सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। कुछ टाइम बाद क्वीन एटलाना पे दोबारा से अटैक होता है और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि किंग और वैक्स ने एटलांटियन सोल्जर भेज के करवाया था। पर एटलाना बहुत पावरफुल है और वो अपनी फैमिली छोड़ के वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो इन सब से डट के सामना करती है और अपने ट्राइडेंट से सभी सोल्जर्स को मार डालती है। पर उसके बाद वो एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेती है और थॉमस और अर्थर को छोड़ के वापस एटलांटिस चली जाती है। पर जाते जाते वो थॉमस को बोलती है कि वो एक दिन वापस ज़रूर आएगी और वो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अर्थर और उसके लिए ही कर रही है, क्योंकि वो जानती है किंग और वैक्स फिर से सोल्जर्स भेजेगा और अर्थर के लिए ये ठीक नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से एटलांटिस चली जाती है। उसके बाद अर्थर को दिखाते हैं जो अब स्कूल में पढ़ता है और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक फ़िश एक्वेरियम देखने गया था, और तभी वहाँ पे कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और अर्थर को बुली करने लगते हैं। और ये देखकर एक्वेरियम में एक शार्क बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और शीशे पे ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारने लगती है, और सभी बच्चे ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। और तभी अर्थर अपने हाथ से उस शार्क को इशारा करता है और शार्क बिल्कुल शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इससे पता लगता है कि वो सी क्रिएचर्स की बातें समझता है और उनसे बात भी कर सकता है। और ये देखकर उसके सभी स्कूलमेट्स पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ साल आगे, जहाँ दिखाते हैं अर्थर अब बड़ा हो गया है और उसकी माँ एटलाना ने उसे ट्रेन करने के लिए वुल्को को भेजा है ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल और स्किल्ड वॉरियर बन सके। और ये ही नहीं बल्कि वुल्को ने उसे एटलांटिस के बारे में भी बताया और कहा कि तुम वहाँ के प्रिंस हो, और उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाया। एक बार जब वुल्को अर्थर को ट्रेन कर रहा था तभी अर्थर उससे कहता है उसे उसकी माँ से मिलना है और एटलांटिस जाना है। और तभी वुल्को उसे बताता है कि जब तुम्हारी माँ एटलांटिस में रहती थी तब उसकी शादी और वैक्स के साथ होने वाली थी, पर उसके बाद एटलाना धरती पे आ गई और तुम्हारे पिता से प्यार करने लगी और फिर तुम पैदा हुए। और जब एटलाना वापस एटलांटिस गई तो उसकी ज़बरदस्ती और वैक्स से शादी करवा दी।
और उनका एक बेटा भी है। और जब और वैक्स को तुम्हारे बारे में और थॉमस के बारे में पता चला तो उसने तुम्हारी माँ को मार डाला। और ये सुनकर अर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने एटलांटिस जाने से मना कर दिया और अपनी ट्रेनिंग वहीं छोड़ दी और वुल्को को छोड़ के वहाँ से चला गया। अब मूवी प्रेजेंट में आ गई है और दिखाते हैं पायरेट्स ने एक रशियन अकूला क्लास सबमरीन को कुछ समुद्री लुटेरे हाईजैक कर लेते हैं और ये अर्थर को पता लग जाता है और वो किसी तरह उस सबमरीन के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो बहुत से समुद्री लुटेरों को मार डालता है। और उसके बाद उसका सामना होता है समुद्री लुटेरे के सरदार से और उनकी एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। एक्वामैन उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर देता है और एक्वामैन इतना पावरफुल है कि उसे हराना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। इधर एक्वामैन और लुटेरों के सरदार की लड़ाई चल रही होती है और तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और वो एक मिसाइल से एक्वामैन पर अटैक करता है और इस मतभेड़ में एक बहुत बड़ी सी मिसाइल डेविड के पिता के पैर पर गिर जाती है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और देखते ही देखते सबमरीन में पानी भर जाता है और डेविड के पिता वहां पर ही मर जाते हैं और डेविड उन्हें नहीं बचा पाता और इस वजह से डेविड के लिए एक्वामैन उसका दुश्मन बन जाता है और वो ठान लेता है कि वो तो बस उसको मार कर ही दम लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ एटलांटिस की तरफ जो 7 अलग अलग राजाओं से बना है, जहां वहां के राजा ऑर्न को दिखाते हैं जो ऑर्वेक्स और एटलाना का बेटा है और एक्वामैन का स्टेप ब्रदर, क्योंकि ऑर्वेक्स मर चुका है इसीलिए वो एटलांटिस का राजा है। ऑर्म किंग नीरस से मिलने जाता है और ये 7 में से एक राज्य का राजा है और ऑर्म उससे कंसाइल करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले और उसकी हेल्प करे इंसानों पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इंसान हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं जिस वजह से हमारी मछलियां मर रही हैं और ये हमें एक दिन ख़त्म कर देंगे और इसीलिए इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है और उन पर अटैक करना भी ज़रूरी है। पर नीरस उसे कहता है कि इंसानों पर अटैक करना इतना आसान नहीं है और अगर वो ये करना चाहता है तो 7 में से 4 राजाओं को अपनी तरफ करना पड़ेगा और तभी तुम ओशन मास्टर बन पाओगे और सबसे पावरफुल फोर्स के कमांडर जो इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और वो उसे उसके सौतेले भाई एक्वामैन के बारे में भी याद दिलाता है और ये बातें चल ही रही होती हैं तभी उन पे एक सबमरीन अटैक कर देती है और उस अटैक में नीरस के काफ़ी सोल्जर्स मर जाते हैं और ऑर्म भी अपनी ट्राइडेंट से सबमरीन को चीर देता है और सबमरीन डूब जाती है और इसके बाद नीरस ऑर्म की हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो अब इंसानों पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। नेक्स्ट सीन में डेविड को दिखाते हैं, उसके पास ऑर्म के कुछ लोग जाते हैं और उसे सोने के कुछ सिक्के देते हैं पर डेविड वो सब लेने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे बस एक्वामैन चाहिए क्योंकि वो उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। और ऑर्म के लोग बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है समुद्र की तरफ और रात के टाइम में वहां एक बहुत ही भयानक तूफान आ रहा है और उस तूफान में अर्थर और उसके पिता भी फंस जाते हैं और अर्थर वहां से निकलने की काफी कोशिश करता है और अपने पिता को भी बचाने की कोशिश करता है पर वो तूफान से नहीं निकल पाता। और तभी वहां मीरा पहुंचती है और वो इस तूफान से अर्थर को निकाल लेती है और मीरा और कोई नहीं बल्कि नीरस की बेटी है। मीरा अर्थर को एटलांटिस चलने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि उन्हें इसकी हेल्प चाहिए और वो ही इस एटलांटिस का असली वारिस है। पर अर्थर वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि एटलांटिस के राजा ने ही उसकी माँ एटलांटा को मार दिया था। पर मीरा के बहुत कहने पर अर्थर एटलांटिस चला जाता है। एटलांटिस पहुंचकर अर्थर की मुलाकात वुल्को से होती है जिसने उसे बहुत सालों पहले लड़ने की ट्रेनिंग दी थी और वुल्को उसे एटलांटिस के सबसे पुराने और ताकतवर राजा एथलिन और उसके ट्राइडेंट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि एथलिन पूरे एटलांटिस में राज करता है और पूरा समुद्र उसके इशारों पर चलता था और उस समय एटलांटिस समुद्र के ऊपर था। पर किंग एथलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से एटलांटिस पानी के नीचे चला गया और सभी एटलांटिस के लोगों ने
पानी के नीचे सांस लेना और रहना सीख लिया। पर राजा एथलिन ने अपने आप को इस गलती की सजा दी और कहीं चले गए अपने ट्राइडेंट के साथ और कहीं ऐसी जगह जाके छुप गए और आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया है। वुल्को आर्थर को ट्राइडेंट के बारे में और उसकी ताकतों के बारे में बताता है और कहता है कि ट्राइडेंट जिसके पास होगा वो बहुत पावरफुल होगा और उसे कोई हरा नहीं पाएगा और ये ट्राइडेंट ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्म और राजा नीरस अब साथ मिल गए हैं और वो और भी दो राजाओं के साथ मिलना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो ऑर्म ओशन मास्टर बन जाएगा और दुनिया की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। वुल्को आर्थर को एक ही पुरानी चीज दिखाता है जो राजा एथलिन के टाइम की है और उस टाइम की है जब एटलांटिस समुद्र के ऊपर था और उसे लगता है कि राजा एथलिन ने जरूर इसमें कुछ अपने ट्राइडेंट से रिलेटेड कोई हिंट छोड़ी होगी और वो ये आर्थर को देता है और उसे वो ट्राइडेंट ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि हमने बहुत कोशिश की पर इसको कोई नहीं खोल पाया पर इसका कोई ना कोई तो तरीका जरूर होगा और हमें लगता है कि ये काम बस तुम ही कर सकते हो। और ये बात चल ही रही होती है तभी ऑर्म के कुछ लोग आर्थर पर अटैक कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं और ऑर्म के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर आर्थर ऑर्म से कहता है कि वो उसे खोल दे और अगर हिम्मत है तो उससे लड़ाई करने के लिए आगे आए और ऑर्म आर्थर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मीरा ऑर्म को एक्वामैन से लड़ने के लिए मना करती है और कहती है कि वो एटलांटिस का वारिस है और तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। मीरा उसे मना करती है क्योंकि ऑर्म और उसकी शादी होने वाली थी लेकिन ऑर्म नहीं सुनता और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक्वामैन के पास उसकी माँ एटलाना का ट्राइडेंट था और ऑर्म के पास उसके पिता का और दोनों की बहुत ही डेडली लड़ाई चल रही होती है। तभी ऑर्म आर्थर का ट्राइडेंट तोड़ देता है और जैसे ही वो अपना ट्राइडेंट उठाता है एक्वामैन पे अटैक करने के लिए तभी वहाँ मीरा आके उसे बचा लेती है और एक्वामैन को वहाँ से लेकर चली जाती है और ये दोनों पहुँच जाते हैं सहारा डेजर्ट जहाँ पर फॉलन किंगडम ऑफ डेजर्टर्स छुपा हुआ था और इसी जगह पे राजा एथलिन का ट्राइडेंट बनाया गया था और ये ट्राइडेंट पोसिडियन के स्टील से बनाया गया था और ये दोनों उस मशीन के पास पहुँचते हैं जहाँ पर ये ट्राइडेंट बनाया गया था और मीरा उस मशीन पे वो चीज रखती है जो उसको आर्थर ने दी थी पर वो मशीन नहीं चलती। उसके बाद मीरा उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए एक्वामैन के माथे से पसीना निकालकर उस चीज पे डालती है और जिससे वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और उसमें राजा एथलिन की होलोग्राफिक इमेज बाहर आती है और वो उन्हें इस ट्राइडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि इस ट्राइडेंट का सही हाथों में जाना बहुत जरूरी है और अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। फिर उस मशीन से एक बॉटल निकलती है और उस बॉटल में एक मैप होता है जिसमें उस ट्राइडेंट की लोकेशन थी। तब मीरा और आर्थर निकल पड़ते हैं इटली के शहर सिसली की तरफ। एक तरफ मीरा और आर्थर को दिखाते हैं जो उस ट्राइडेंट को ढूंढ रहे होते हैं और वो मैप की हेल्प से और वो उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ट्राइडेंट कहाँ है। दूसरी तरफ डेविड को दिखाते हैं जिससे ऑर्म के लोग मिलने जाते हैं और ऑर्म ने उसके लिए एक प्रोटोटाइप एटलांटियन सूट भेजा है और डेविड उस सूट को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करता है और उसमें बहुत से अमेजिंग गैजेट्स और वेपन्स लगा लेता है जिससे वो एक्वामैन को मार सके। इस सीन में ये भी पता लगता है कि ऑर्म ने ही डेविड और उसके पिता को हायर किया था सबमरीन हाईजैक करने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए ताकि वो नीरस से कोलैबोरेट कर पाए और नीरस ह्यूमंस के अगेंस्ट हो जाए और उस पे ट्रस्ट करने लगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक्वामैन और मीरा को जिन्हें ट्राइडेंट की लोकेशन का पता लग गया है और दोनों बस अपनी मंजिल की तरफ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे डेविड आ जाता है और उन दोनों पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है और डेविड के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे जिसके सामने एक्वामैन भी नहीं टिक पा रहा था पर किसी तरह एक्वामैन अपनी स्मार्टनेस की हेल्प से डेविड को रोक लेता है और उसे मारने के लिए पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। उसके बाद मीरा और एक्वामैन निकल पड़ते हैं ट्राइडेंट को लेने के लिए और रात में जब वो अपनी बोट पे होते हैं उन पे कुछ भयानक क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और वो दोनों उन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। ये क्रिएचर्स सिर्फ अंधेरे में ही रहते हैं और रोशनी में नहीं आते और मीरा और एक्वामैन कोशिश करते हैं वहाँ रोशनी करने की और क्रिएचर्स जहाँ रोशनी होती है वहाँ से दूर भागते हैं। तभी मीरा और एक्वामैन को
एक रोशनी दिखती है और वो रोशनी एक वॉर्म होल था और वो दोनों उस होल में घुस जाते हैं और एक लॉस्ट किंगडम में पहुंच जाते हैं जो अर्थ के बीच में था और एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और वहां उसे मीरा के साथ एक लेडी दिखती है और वो उस लेडी को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ क्वीन एटलाना थी। एक्वामैन अपनी माँ से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। हाउ स्वीट ना। एटलाना अपने बेटे को बताती है कि 20 साल पहले जब वो एटलांटिस वापस आई थी तो उसे राजा ओवाक से शादी करनी पड़ गई थी और जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला था तो उसने गुस्से में मुझे इन मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स के हवाले कर दिया था और तब से मैं यहीं रह रही हूँ और मैं भी ट्राइडेंट को ढूंढते ढूंढते इस लॉस्ट किंगडम तक पहुँची थी। पर यहाँ पहुँच तो गई हूँ पर यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और ट्राइडेंट तक पहुँचना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उस ट्राइडेंट की रक्षा एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर करता है जिसका नाम है किराथिन और ट्राइडेंट निकालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक्वामैन अपनी माँ से कहता है कि वो ट्राइडेंट ले आएगा और वो निकल पड़ता है ट्राइडेंट को लेने के लिए और वहाँ जाके उसे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखता है और जो उस पर अटैक करता है पर एक्वामैन उसे रोकता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और वो दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते थे और केराथेन एक्वामैन से कहता है कि राजा एटलिन के बाद वो ऐसा पहला है जिसने उससे बात करी है। तब एक्वामैन उसे बताता है कि उसे राजा एटलिन का ट्राइडेंट चाहिए क्योंकि वो दुनिया को बचाना चाहता है। कुछ लोग हैं जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं पर वो सबको बचाना चाहता है और वो सबसे प्यार करता है और वो बुरे लोगों को ये नुकसान करने से रोकना चाहता है और ये ट्राइडेंट ही उससे हेल्प कर सकता है। तब केराथिन उसे कहता है कि वो उसे एक मौका देगा राजा एटलिन के स्टैचू के हाथ से ट्राइडेंट खींचने का और अगर उसने वो खींच लिया तो ट्राइडेंट उसका और अगर वो नहीं ले पाया तो वो उसे खा लेगा। एक्वामैन आगे बढ़ता है और एक ही बार में वो राजा एटलिन के स्टैचू से ट्राइडेंट ले लेता है और जैसे ही ट्राइडेंट एक्वामैन के हाथों में आता है वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं सब के सब उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसका सब पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लगता है और फिजिकली भी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। और एक्वामैन को ऐसे देख कर मीरा और क्वीन एटलाना काफ़ी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ ऑर्म को दिखाते हैं जिसने राजा नीरस के साथ एक और किंगडम को अपनी तरफ कर लिया है और उसे अब बस एक और किंगडम की ज़रूरत थी फिर उसको ओशन मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन चौथा किंगडम उसे सपोर्ट देने से बिल्कुल मना कर देता है और उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ एक्वामैन केराथिन पे बैठ कर वहाँ पहुँच जाता है और मीरा और क्वीन एटलाना भी वहाँ आ जाते हैं और एक्वामैन के हाथ में राजा एटलिन के ट्राइडेंट को देख के सब एक्वामैन को अपना राजा मान लेते हैं और लड़ाई वहीं रुक जाती है। पर ऑर्म को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता और तभी वो एक्वामैन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और एक्वामैन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर मीरा एक्वामैन से कहती है कि अगर तुम्हें ऑर्म को हराना है तो ये काम पानी में नहीं हो सकता और तुम्हें उसे पानी के बाहर ले जाना होगा। तब एक्वामैन उसे किसी तरह से पानी के बाहर ले जाता है और उनकी लड़ाई अब एक सबमरीन पे हो रही होती है और तभी एक्वामैन ऑर्म का ट्राइडेंट तोड़ देता है और ऑर्म को मारते मारते रुक जाता है और उसे जान से नहीं मारता। ऑर्म कहता है उसे मार डालो पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। और उसी टाइम क्वीन एटलाना वहाँ आ जाती है और ऑर्म को बताती है कि उसकी जान एक्वामैन ने बचाई है और अब ये लड़ाई हमें यहीं रोकनी चाहिए और ये भी कहती है कि बचपन से तुम्हें सब गलत सिखाया है और हमेशा इंसानों के खिलाफ गलत सीख दी है पर इंसान अच्छे होते हैं। और इसके बाद ऑर्म को कैद कर दिया जाता है। मीरा सबके सामने ये अनाउंस करती है कि अब एटलांटिस का नया राजा आर्थर है यानी कि एक्वामैन है और ये साफ दिखाई देता है कि मीरा और एक्वामैन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है थॉमस की तरफ जो अभी भी अपने प्यार एटलाना का वेट कर रहा है और एटलाना जिसने उससे वादा किया था कि वो वापस ज़रूर आएगी उसे अपनी आंखों के सामने देखकर थॉमस काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों वापस से एक साथ हो जाते हैं और आर्थर एटलांटिस को संभालने के लिए चला जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में डेविड को दिखाते हैं जो अभी भी जिंदा है और उसे डॉक्टर स्टीफन शीन ने बचाया है जो एक साइंटिस्ट हैं जो एटलांटिस
पे रिसर्च कर रहा है और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहता है, और दूसरी तरफ डेविड आर्थर यानी कि एक्वामैन को मार के अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है। और दोनों आपस में यही बात कर रहे थे और उसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट मूवी के सस्पेंस के साथ और एक्वामैन की न्यू मूवी जो जल्द ही 2022 में रिलीज होने वाली है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 लकी सब्सक्राइबर्स कैन विन सम amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.